न्यूज क्लिक की चुनावी रिपोर्टिंग आज लखीमपुर के गौरिया गांव में है। गांव लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 34 किलोमीटर दूर है और इस गांव में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहां पर 60 गाँव वालों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं। कारण है भ्रष्टाचार। राशन कार्ड सब कट गया, गए गल्ला ले तो कहीं तुम्हारा राशन कार्ड कट गया, तो हम गन का है कट गया, तो कहा लग कि तुम 14,36,000 किरा गल्ला बेचे धान गेहूँ। इन ग्रामीणों पर इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने सरकारी क्रय केंद्रों पर लाखों रुपए की धान और गेहूं का खरीद फरोख्त किया गया है। हमने इनसे बात की तो हमने ये पाया कि इन ग्रामीणों के पास कुल 2.5 बीघा 2 बीघा ऐसे खेत हैं और ये डेली वेजर्स हैं, यानी कि मजदूर हैं जो रोज़ दिहाड़ी पर जाते हैं, 200 रुपये 300 रुपये कमाते हैं और घर लौट कर आते हैं। सिलेंडर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही हैं? सिलेंडर साहब जब पैसे नहीं हैं तो कहाँ से इस्तेमाल करिए। कितना खेत वेत है आप लोग के यहाँ, क्या कैसे पैसा आता है? हमारे पास खेत तो है नहीं। घर के मजदूरी करते हैं, हम खेती करते हैं। पिछले 4 महीनों से इन गाँव वालों को राशन नहीं मिला है। हम बात करेंगे ऐसे कुछ ग्रामीणों से जिनका राशन काटा जा चुका है और पिछले 4 महीनों में उन्होंने क्या दिक्कतें महसूस की हैं। मोहम्मद ईसा। क्या करते हैं ईसा जी? खेती करते हैं। कितना खेत है आपके पास? लगभग 3.5 बीघे। 3.5 बीघा। ये क्या हो गया, मसला क्या, आपके राशन कार्ड क्यों कट गए हैं, राशन क्यों नहीं मिल पा रहा आप लोगों को? सर हम ये वही 10 नवंबर को गए थे कोटेदार के पास राशन लेने, तो वहाँ पे जब गए तो उन्होंने कहा कि भैया आपका राशन कार्ड कट गया है। तो मैंने किस बेस पर कटा, तो उन्होंने कहा कि आपने पैसे का लेन देन ज़्यादा किया है, गेहूँ धान बेचा है। तो मैंने कहा गेहूँ धान बेचे कहाँ हैं? तो फिर हम गए लखीमपुर जिला पदाधिकारी के पास, तो वहाँ उन्होंने एक बताया कि आपने तिकुनिया में खाता खोला के पैसा निकाला है, बेचा है। तो फिर तिकुनिया पहुँचे हम, वहाँ से एस्टिमेट निकाला गया। तो ना तो हमारे जैसे हमारे 35 किलोमीटर दूर यहाँ तिकुनिया पड़ती है यहाँ से, तो हम 35 किलोमीटर दूर क्यों जाएंगे खाता खुलाने, जो हमारे ढकरवा 3 किलोमीटर दूर पर है। ये ट्रांजैक्शन क्यों हुए, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। ये ट्रांजैक्शन दरअसल हुए हैं, लेकिन जो खाता उनके कार्ड धारकों को पता नहीं है कि कैसे हुए हैं, उनके नाम पे पैसा निकाल लेन देन हुआ है। आपने किसी से बात की, किसी अधिकारी वगैरह से ये मामला उठाया कि ये क्यों हो रहा है? जी, किसे? सप्लाई विभाग गए थे, सप्लाई इंस्पेक्टर से बात की थी। क्या कहा उन्होंने? तो हमको सूची दिए कि भैया ये कटे हैं राशन कार्ड और ये जो है हमको सूची NIC से मिली है, इन पर लेन देन ज़्यादा हुआ है। तो फिर हमसे उनसे बात किए तो हमको खाता नंबर हमको दे सकते हो जिस पे हुआ है, तो खाता नंबर दिए उन्होंने दिए हमको, तो वो सारे खाते DCB तिकुनिया के निकले हैं। DCB बैंक तिकुनिया। जी 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 जी। फिर हुआ क्या, हम लोग मतलब जो है DM साहब को एप्लीकेशन दिए 2 बार, 3 SP साहब को 2-3 बार दिए, जिला पदाधिकारी को 2-3 बार दिए। फिर उन्होंने 17 तारीख फिर दिया एप्लीकेशन, तो उसमें उन्होंने 17-11 को दिए थे, 17 नवंबर। तो उसी उन्होंने फिर CO साहब हमको बुलाए 3 लोगों को निकासन, वहाँ पे बुझा गया, तो वहाँ पे पूरे कागज़ लिए गए, इंतखाब लिया गया और कहा गया अब जाइए। उसके बाद ये पता लगा कि 8/12 में आपके नाम FIR दर्ज हुई है। अब इसका मामला ये है कि राशन कार्ड कटने से हमारा भी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो कमीशन मिलता है गवर्नमेंट देती है, वो हमारा भी नुकसान हुआ है। एक यूनिट पे क्या कमीशन मिलता है आपको? एक यूनिट पे 1 किलो पे 70 पैसे मिलता है हमको, 70 पैसे 1 किलो पे मिलता है जी। जितने भी कटे हैं उसमें हमारा भी बहुत नुकसान हुआ है, कार्ड धारकों का भी नुकसान हुआ है, इसकी छानबीन चल रही है। आपको कैसे पता कि इनका राशन कार्ड कैंसिल हो गया? हमको जब पता चला, जब मशीन में इनका नाम नहीं आया, हमने नंबर डाला, उसमें नाम इनका नहीं आया, जब नाम नहीं आया तो हमने कहा राशन कार्ड आपका कट गया है, तो इन लोगों ने जांच पड़ताल अपना किया, पूछताछ किया, उसके बाद इन लोगों ने FIR करवाई। सप्लाई इंस्पेक्टर का क्या कहना है मामले पे? सप्लाई इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि अभी तो कह रहे थे, इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि कागज जमा करवाओ सब बन जाएंगे, उसके बाद आचार संहिता जब लग गई तो कह रहे हैं अभी इलेक्शन के बाद हो पाएगा। तो FIR में क्या धाराएं लगाई गई आपके ऊपर? तो धाराएं तो वही इसमें लिखी होंगी। अच्छा, फिर क्या पुलिस ने क्या कहा, DM साहब ने क्या कहा? DM साहब ने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ। संजय इंस्पेक्टर साहब आए थे 2-3 बार। हाँ। तो बस यही पूछ रहे थे कि आपकी कितनी उम्र है। हाँ। आप पढ़े हैं लिखे हैं नहीं हैं, अंगूठा लगाते हैं साइन करती हैं। हाँ। बस यही 3 बार उन्होंने पूछा।
भारत के सबसे बड़े राज्य का चुनाव है, यहाँ आबादी सबसे ज्यादा है जी जी। और ऐसे में आपके गांव में 70 मजदूर परिवारों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं जी जी जी। कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति ऐसे ही खराब थी जी जी जी। कैसे इन लोग का जीवन यापन चल रहा है? ये अपने मजदूरी करके कैसे न कैसे चला रहे हैं जी। हमने इंस्पेक्टर साहब से कहा भी कि राशन कार्ड लोग बना दीजिए, परेशान है बहुत ज्यादा, खाना नहीं है घर में, आश्वासन मिल रहा है लेकिन अभी तक बनाए नहीं गए हैं। अगर ऐसी स्थिति रही, इनका राशन कार्ड कटा रहा, तो कैसे मदद करेंगे आप इनकी? कैसे भूखों मरने लगेंगे सर? भूखों मरने लगेंगे, बिल्कुल स्थिति वही आ गई है। तो 4 महीने से राशन नहीं मिल रहा, घर चलाने में दिक्कत नहीं हो रही है? तो सर दिक्कत तो हो रही है, तो कहाँ से लावा जाए? जब मजूरी करके लावा, 3 दिन भर रास्ता देख दी तो सामान बनाई थी। मजूरी में कितना रुपया मिल जाता है? मजूरी में कितना? 7-8 हजार। 7-8 हजार रुपया महीने का आ जाता है। ये सिलेंडर उज्ज्वला वाला है क्या? हाँ। कब से नहीं भराई है आप इसे? ये तो नहीं है। क्यों नहीं भरा रही है? पैसे ना है तो कैसे भराई?